हाय महा, कहाँ पर हो? अभी मैं स्कूल से बाहर आ रही हूँ। तुम अब तक आए क्यों नहीं? एक दिन शूटिंग डिले हो गई, इसलिए मैं लेट हो गया। 24 घंटे में तुम्हारे सामने रहूँगा। मामा, मम्मी ना मुझे हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेजने वाली है। बस इतनी सी बात है, मैं उस हॉस्टल के वार्डन को पीट कर तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। That's my mama. I love you, mama. ए, अरे तू आ गया आ गया। ओके सर, तुझे 45 बोला था। चल पीछे चल। सिलेंडर ब्लास्ट में जीजा और महालक्ष्मी मर चुके हैं। दीदी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या हुआ है डॉक्टर? नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन सीवियर हेड इंजरी और हादसा बहुत बड़ा था, इसीलिए ब्रेन शॉक लगा है। वो बात नहीं कर पा रही है और ना ही जवाब देने की स्थिति में है। एक हफ्ते में वो रिकवर हो जाएगी। टेक केयर ऑफ हर। ओके। पुलिस फॉर्मेलिटी है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आपकी साइन चाहिए। मुझे 100 चाहिए। अरे 100 क्या, ये शॉप ही दे रही है, जितनी चाहिए उतनी खा। ओके एंजॉय। विक्रम कहीं बाहर चले क्या? प्लीज, यहां वहां की कोई भी बात करके तुम्हारा तो कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। कुछ तो बात करो विक्रम। 24 घंटे जो मेरी जान थी वो एक पल में राख बन गई। मैं उसका भविष्य बनाना चाहता था और वो अतीत बन गई। मैंने वो नहीं कमाया जो मुझे पसंद था चित्रा, मैंने वो कमाया है जो कभी हासिल नहीं कर सकता।
ये दर्द नहीं है, सजा है। जानती हूँ विक्रम, स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड टाइम। एक्सक्यूज मी, आई फॉरगॉट माय फोन इन रूम, व्हाट्स टाइम नाउ? इट्स देयर। विक्रम, आओ बेटा। मैं अभी अभी स्कूल से बाहर आई हूँ। महा जिंदा है चित्रा। What? चित्रा फ्लाइट में बैठने से पहले मैंने महा से बात की थी, और उस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 7:30 बज रहे थे और इंडिया का टाइम था 4:30, और रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट हुआ था 3:45 को। मतलब ब्लास्ट होने के कम से कम आधे घंटे के बाद मैंने महा से बात की थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है चित्रा, मैं पुलिस स्टेशन जाकर चेक करता हूँ, तुम ऑफिस में जाकर एक बार रिपोर्ट देखो। ओके, गो, गो। नगरवासियों सावधान, बंगाल की खाड़ी में अचानक तूफान उठने से आंध्र में भी तूफान उठने की आशंका है, इसलिए कृपया अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। ये सूचना जनहित में जारी है। मामा। मामा। बात करो ना मामा। बेटी महा, बेटी कहाँ हो तुम? बेटा मैं वार्डन के पास हूँ मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन के पास? लेकिन अभी किस हॉस्टल में हो तुम बेटा? गर्लफ्रेंड, प्लेजर ट्रिप, आराम से जो जिंदगी गुजर रही थी, सोच रहा होगा अचानक से उसमें तूफान कैसे। जिसे हम अपनी जिंदगी समझते हैं, अगर उससे कोई दूसरा छीन ले तो कैसा लगता है पता चला ना? ए, कौन है बे तू? बताया था ना, तूफान। और अगर तूफान आए तो घर में रहना चाहिए, बाहर क्यों आया? वेट अ मिनट, घर नहीं है ना, कैसे रहेगा? बम लगाकर उड़ा जो दिया है। सॉरी मैं, बट यू नो, वन डे लेट आने से तो मिस हो गया, तेरी दीदी और तेरा जीजा दोनों बुक हो गए। सो टेल मी, इतना सब कुछ होने के बाद तू जी कर क्या करेगा? हाँ, नो पॉइंट विक्रम, मर जा तू। आक्रमण करते तू ना बचे प्रहार से, सौंदे साथी सौंदे साथी। अरे मर गया क्या?
मर गया। नाइस हीरो। तू अगर अभी बात कर रहा है इसका मतलब वो मर गया। अब मैं तुझे मारने की कोशिश नहीं करूंगा। तेरी कहानी को फुल स्टॉप लगाने के लिए कुछ कॉमा लगाना होगा। तेरी जान लेने से पहले उसे तुझसे दूर करके तेरी जान निकालूंगा। वेलकम टू द न्यू चैप्टर। मनुष्य को अंत समय में मोह माया से दूर रहना चाहिए ताकि उसके प्राण देह को त्याग सके, अन्यथा उसे घोर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। Got it? ए, तेरी बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो हुआ है उसकी वजह पता नहीं है मुझे, लेकिन महालक्ष्मी को लेने मैं जल्द ही आऊंगा। और तूने जो बताया कि बेटी जिंदा है उसके बदले तेरी जिंदगी में एक ट्विस्ट दूंगा। और मेरी फैमिली को मुझसे जो दूर किया है ना तूने, बदले में तुझे मार दूंगा। ऑल द बेस्ट। और यही होगा क्लाइमैक्स।